Hello friends, welcome to my channel Civil Engineering Forum. Today we'll start with the second lecture of engineering drawing. If you have not subscribed my channel, do click on the subscribe button and you'll get the notification as soon as I upload an ED lecture. तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ED के डेफिनेशन से, जो कुछ इस तरह है. Engineering drawing is a language of persons engaged in engineering activities. All the work related to engineering activities is carried out by this. मतलब ED एक उन लोगों की लैंग्वेज है जो इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं. These are some of the instruments used in engineering drawing. तो आज मैं कुछ ED में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को इंट्रोड्यूस करूंगा. So first of all, we require is a pencil and an eraser, जो कि ड्राइंग करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है. Then after a drawing board is required, जो कि एक शीट की साइज से बड़ा होना चाहिए और ड्राफ्टर भी उस पर फिक्स हो सके उतनी थिकनेस होनी चाहिए. Then a 30 सेंटीमीटर रूलर स्केल चाहिए विथ वॉट वी कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. Then a rounder is required, जो किसी भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सके. Then a pair of set square is required. इसका यूज 90, 45 और 30 डिग्रीज यूज करने के लिए होता है और पैरेलल लाइंस भी हम ड्रॉ कर सकते हैं. देन अ हाफ और अ फुल प्रोट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड, जो कि कोई भी एंगल में लाइन ड्रॉ करने में काम लगता है. एंड द लास्ट वन इज अ मिनी ड्राफ्टर इज रिक्वायर्ड, जो कि तुरंत पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर सकता है एंड वी कैन सेव आवर टाइम.